हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, आज हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो की इंग्लिश न्यूज़ को कैसे समझें, उसके लिए टिप्स टू फॉलो न्यूज़ हेडलाइंस, न्यूज़ की हेडलाइन को न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स की जो हेडलाइंस हैं उनको आप कैसे समझेंगे। उनको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको क्लियरली कुछ रूल्स आपको नहीं पता हैं, क्योंकि हेडिंग्स प्रेजेंट टाइम लिखी जाती हैं, उसका अर्थ पास्ट में निकाला जाता है, तो हेडिंग्स को आप इजीली कैसे समझ पाएँ उसके लिए हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया है और दो पार्ट में इसको हम फिनिश कर देंगे और मात्र 10 रूल के अंतर्गत ये हम क्लियर कर देंगे कि आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर को, रेडियो, टीवी की इंग्लिश न्यूज़ की हेडलाइंस को आप कैसे समझेंगे, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को कैसे समझ पाएंगे। तो अब हम समय न गंवाते हुए अब हम क्लियर करते हैं रूल से, आपको क्लियर करते हैं कैसे आप ये, बस आपको जो है 10 रूल्स फॉलो करने होंगे। ओके डियर माय व्यूवर्स, दोस्तों देखते हैं क्या उनसे रूल्स हैं और बहुत इजी वे में आप इसको सीख जाएंगे और पेपर पढ़ना, पेपर की हेडिंग पढ़ना शुरू कर देंगे। पहले मैं हेडिंग्स के लिए टिप्स दूंगा, उसके बाद में मैं उसके एडिटोरियल, उसका स्पोर्ट्स का, उसका गेम, स्पोर्ट्स एंड गेम्स का, उसकी मूवीज़ का, उसको आप कैसे पढ़ पाएंगे और करंट मीनिंग्स कौन कौन सी होंगी वो क्लियर करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। रूल फर्स्ट, पास्ट की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है हेडिंग्स में, न्यूज़पेपर में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डेंकन चार्जेस पुल ऑफ द आईपीएल 5। अब डेंकन चार्जेस पुल ऑफ, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, डेंकन चार्जेस ने आईपीएल 5 की सीरीज जीती, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, इसका अर्थ क्या निकलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में अर्थ निकालेंगे लेकिन प्रेजेंट में लिखा होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इंडिया पिप पाकिस्तान बाय 144 रन्स। इसका मतलब क्या है, भारत ने पाकिस्तान को 144 रनों से हराया, भारत ने पाकिस्तान को 144 रनों से हराया, हराया ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन सेंटेंस किस में था, जो हेडिंग्स किस में थी, वो प्रेजेंट में थी। ओके आप समझ रहे होंगे। इसे नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, धोनी डिफेंड्स हिज प्लेयर्स। अब डिफेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जबकि इसका अर्थ क्या निकलेगा, धोनी ने अपने खिलाड़ियों का बचाव किया, पास्ट में आता ना, ये पास्ट में आता है। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, एससी गिव्स रिलीफ टू चिदंबरम, सर्वोच्च न्यायालय ने चिदंबरम को राहत दिया। अब दिया क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पर गिव्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट करता है। तो इसे आप रूल फर्स्ट से समझ चुके होंगे कि जो आपकी हेडिंग्स प्रेजेंट में गिवन रहेंगे लेकिन उसका अर्थ आप किस में समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में निकालेंगे। रूल टू को देखते हैं, आर्टिकल्स को ड्रॉप कर दिया जाता है, अर्थात जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं उनको, उनमें आर्टिकल नहीं दिया जाता, आर्टिकल को ड्रॉप कर दिया जाता है। जैसे कि द पुलिसमैन कॉट टेकिंग ब्राइब, पुलिसकर्मी घूस लेते पकड़े गए, पुलिसकर्मी घूस लेते पकड़े गए। अब यहाँ पर भी देख लीजिएगा, मीन्स यहाँ पर आर्टिकल का सेंस नहीं है जो आप इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे। बीजेपी कम्स इनटू पावर इन सेंटर, बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आप जो है ये आर्टिकल्स को ड्राप करते हुए और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडिंग्स है लेकिन उसको पास्ट में समझते हैं। जैसे एक ये हरभजन स्लैब्स श्री संत, तो हरभजन ने श्री संत को चाटा मारा, स्लैब्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन जो है अर्थ क्या निकलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में
हरभजन ने श्री संत को चाटा मारा। ओके, तो रूल थ्री में आते हैं, वर्ब टू बी को ड्रॉप कर दिया जाता है। आप टू बी वर्ब पता होगा आपको, इज एम आर वाज वर्ब जो होते हैं वो टू बी वर्ब होते हैं, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, उनको पेपर की हेडिंग्स में नहीं लिखा जाता है। ओके ओके डियर माई व्यूवर्स, रसेल, अब यहाँ पर इज होना चाहिए लेकिन इस ये टू बी वर्ब्स ड्रॉप कर दिया जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। रसेल इन ट्रिमेंडस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रसेल अभी तूफानी लय में है, रसेल तूफानी अभी तूफानी लय में है लेकिन है नहीं लिखा जाएगा। मानसून लाइकली टू रीच इन एडवांस, मानसून का समय पूर्व पहुंचने की संभावना है लेकिन इस वहाँ हेडिंग्स में नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि रूल थ्री में टू बी वर्ब्स को ड्रॉप कर दिया जाता है अर्थात नहीं लिखा जाता है, और टू बी वर्ब्स हमारी क्या होती हैं, इज एम आर वाज वर। रूल फोर में आते हैं, रूल फोर देखते हैं, फ्यूचर टेंस के सेल ऑब्लिक विल की जगह इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग होता है, मीन्स इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है अर्थात सेल और विल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हिंदी में अर्थ जो निकलेगा उसमें गागीगे का सेंस रहेगा। जैसे कहा जाए इंडिया टू टेक ऑन इंग्लैंड इन द फाइनल, इंडिया टू टेक लिखा हुआ है तो यहाँ पर इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, यही मैं कह रहा हूँ, सेल और विल के स्थान पर क्या होगा, इन्फिनिटिव रहेगा, इन्फिनिटिव का यूज़ होगा। तो इंडिया टू टेक ऑन इंग्लैंड इन द फाइनल, इसका मतलब क्या है, भारत फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा, भारत फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में इसका अर्थ निकल रहा है, फ्यूचर में निकल रहा है ना, फ्यूचर में निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल और विल का यूज़ नहीं है, सेल और विल का यूज़ नहीं है, ये विशेष बात है, इसको ध्यान में रखते हुए समझेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राइट विक्टिम्स टू रिटर्न होम्स, टू रिटर्न दिया हुआ है, इन्फिनिटिव दिया हुआ है, यहाँ विल और सेल नहीं दिया हुआ है। दंगा पीड़ितगण घर लौटेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर सेल और विल हेडिंग्स में यूज नहीं होगा लेकिन आप जो है उसका हिंदी में अर्थ गागी गे निकालेंगे। ओके, तो ये रूल्स आपके फोर रूल्स हुए। अब लास्ट, इस वीडियो का लास्ट फिफ्थ रूल्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जो है नेक्स्ट फाइव रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो है नेक्स्ट रूल है, रूल फाइव है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को पैसिव वॉइस के वाक्यों में ड्रॉप कर दिया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स पैसिव वॉइस में के वाक्यों में ड्रॉप कर दिया जाता है, जैसे कि ओलमर्ट आस्क टू स्टेप डाउन, ओलमर्ट को इस्तीफा देने को कहा गया, ओलमर्ट को इस्तीफा देने को कहा गया। अब यहाँ पर हेडिंग्स में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है, फाइव ड्रोन्ड इन द गंगा, पांच लोग गंगा नदी में डूब गए। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फाइव ड्रोन्ड इन द गंगा, लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हेडिंग्स में नहीं दिया गया है। इस तरह की हेडिंग्स आपके पेपर में आने वाली हैं, पेपर में आती हैं, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया जब आप पढ़ेंगे तो इसी तरह की हेडिंग्स आएंगी, तो उसका अर्थ इस तरह से आप निकालेंगे। जब इस तरह दिया होगा फाइव ड्रोन इन द गंगा, तो आप अर्थ क्या निकालेंगे, पांच लोग गंगा नदी में डूब गए हैं। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मालिया कहा जाए कि आसिफ हेल्ड इन दुबई, आसिफ को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया, आसिफ को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसका यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। तो माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं अपने चैनल इजी इंग्लिश विद निर्मल सर में आप लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर
कैसे इजी वे में पढ़ पाएँ, उसके लिए मैंने अपने छोटा सा प्रयास किया है। मैं समझता हूँ सभी लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर को न केवल पढ़ें बल्कि अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए मैं मिस कुछ मीनिंग्स लेकर के आऊँगा। अभी तो 5 रूल्स और बाकी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हेडिंग्स को समझने के लिए, फिर उसके बाद में कुछ मीनिंग्स लाएंगे जिससे कि आप फ्रंट पेज पढ़ पाएंगे और एडिटोरियल पर पढ़ पाएंगे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स या सिनेमा वाला पेज पढ़ पाएंगे। ओके माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएँ। थैंक्स।